यूपी के माफिया ब्रदर्स आखिरकार मिट्टी में मिल ही गए। रविवार देर शाम कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक और उसके भाई अशरफ को सुपुर्द एक खाक कर दिया गया। अतीक के दोनों नाबालिग बेटों ने बाप को मिट्टी दी। दोनों बेटियां भी आईं, लेकिन गिरफ्तारी के डर से पत्नी शाइस्ता नहीं पहुंची। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता बुरके में पति को आखिरी बार देखने पहुंची थी। आपको बता दें कि शनिवार रात पुलिस घेरे में घुसकर तीन अपराधियों ने अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया था। शार्प शूटर्स का निशाना इतना सटीक था कि दोनों भाइयों के बचने का कोई चांस ही नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अतीक को 8 गोलियां लगी थी। इस हत्याकांड के तीनों आरोपियों को तो मौके पर ही दबोच लिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन लोगों ने अतीक को क्यों मारा? क्या अतीक से इनकी पुरानी अदावत थी या इन्हें किसी से अतीक की सुपारी मिली थी? अगर ये लोग सिर्फ शूटर्स थे तो इस हमले के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? इन सवालों के बीच इस हत्याकांड में कुख्यात सुंदर घाटी गैंग का नाम सामने आ रहा है। अतीक और अशरफ को मारने वाला एक अपराधी सनी सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुंदर भाटी का गुर्गा बताया जा रहा है। खबर ये भी है कि जिस मेड इन तुर्की जिगना पिस्टल से अतीक और अशरफ को मारा गया वो सुंदर भाटी के नेटवर्क से ही सनी को मिली थी। हालांकि पुलिस ने अभी तक ऐसी किसी खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन मामूली बैकग्राउंड वाले अपराधियों के पास इतने महंगे हथियार कहाँ से आए? अब आपको बताते हैं कि सुंदर भाटी कौन है, कैसे एक समय में इसका गिरोह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आतंक बना हुआ है और कैसे सनी से सुंदर भाटी के संपर्क में आया। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला सुंदर भाटी एक जमाने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जरायम की दुनिया का सबसे खतरनाक नाम था। न सिर्फ यूपी पुलिस बल्कि हरियाणा और दिल्ली की पुलिस के लिए भी सुंदर भाटी बड़ी चुनौती था। सुंदर भाटी पर हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, लूट और मारपीट के 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। साल 2011 में सुंदर भाटी कसाना गैंग के हमले में बाल बाल बच गया। साल 2014 में लंबी तलाश के बाद यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए और तब से वो बाहर नहीं आया है। पिछले साल से हत्या के एक मामले में सुंदर सोनभद्र जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। 1.5 साल पहले सुंदर भाटी हमीरपुर जेल में था, तब सनी सिंह भी लूट के एक मामले में इसी जेल में बंद था। भाटी का रुतबा देख सनी उसके करीब आया और उसका चेला बन गया। बाद में सुंदर भाटी को सोनभद्र जेल ट्रांसफर कर दिया गया और सनी छूट गया। जेल से बाहर आने के बाद सनी भाटी के गुर्गों के संपर्क में रहने लगा। सनी पर 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं।